लॉकडाउन में लहसुन की कीमतों में नरमी के बाद एक तेजी देखने को मिली थी। डिहाइड्रेशन और अचार इंडस्ट्री दोनों ही खाली थी, जिससे एक डिमांड निकली और कीमतों में तेजी बनती दिखाई दी थी। लहसुन का उत्पादन भी कम देखने को मिला था, जिससे कीमतों में एक तेजी बनती दिखाई दी थी। अगस्त 2021 में लहसुन की कीमतों में एक नरमी बनती दिखाई दी, जिसके पीछे कई कारण हैं। भारी बारिश और बाढ़ से लहसुन की फसल काफ़ी बड़े पैमाने पर खराब हुई थी और अगस्त में सावन चल रहा था, जिससे लहसुन के दाम कुछ नरम ही रहे थे और किसानों ने अपना माल रोक रखा था। आपको बता दें कि उस समय लहसुन का आयात भी हो रहा था और निर्यात भी। आयात ज़्यादा हो रहा था और निर्यात थोड़ा कम। इन वजहों से भी किसानों को लहसुन के दामों में गिरावट झेलनी पड़ी थी। वहीं बात करें अगर वर्तमान की, तो जानकारों के अनुसार अभी लहसुन के दामों में पहले के मुकाबले कुछ तेजी बनती दिखाई दी है, जो कि आगे और बढ़ सकती है। आगे अब सर्दियों का मौसम आ जाएगा, जिससे लहसुन की खपत बढ़ेगी और बुआई भी अब होने ही वाली है। जानकारों के अनुसार लहसुन की अभी भी इंडस्ट्रियल डिमांड बरकरार है, जो कि विशेषकर डिहाइड्रेशन और अचार इंडस्ट्री से ज़्यादा निकल रही है। जानकारों का कहना है कि इन इंडस्ट्री के पास लहसुन का स्टॉक अभी कम ही है। जानकारों के मुताबिक लहसुन के किसानों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वे अपना माल जैसे जैसे तेजी आती रहे धीरे धीरे निकालते रहें। जानकारों के मुताबिक लहसुन की कीमतों में अभी और तेजी बनने की उम्मीद है। जितनी तेजी वर्तमान में देखने को मिल रही है पिछले महीने के मुकाबले, उनके मुताबिक अभी उतनी और तेजी लहसुन की कीमतों में देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।